हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? सो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन, जैसे कि डेली डिस्कस करते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चंस आपको दो लैंग्वेज मिलने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तुर्की का राष्ट्र खेल क्या है। तो नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ टर्की क्या है, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चंस आपको मिक्स मिलेंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट अफेयर, सारे क्वेश्चंस आपको मिक्स मिलने वाले हैं एक ही वीडियो में, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा ताकि आप सोच सके कि क्या आंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेसलिंग, ठीक है। तो रेसलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये नेशनल स्पोर्ट्स है टर्की का। अगला क्वेश्चन एंजाइम है। तो एंजाइम क्या चीज़ है आपको ये बताना है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये प्रोटीन्स है, ठीक है, प्रोटीन जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1929 को निम्नलिखित में से किस कांग्रेस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो कहाँ पे की गई थी आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये की गई थी लाहौर में। अगला है क्वेश्चन, हावड़ा ब्रिज के निर्माण के लिए डैश नामक एक उच्च तन्यात मिश्र धातु इस्पात का उपयोग किया गया था। तो जो हावड़ा ब्रिज है कोलकाता का, ठीक है, उसको बनाने के लिए किस चीज का उपयोग किया गया था। इनमें से आपको ये बताना है स्पेशल चीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिस्क्रोम राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले डैश कहा जाता था। तो आपको बताना है, जो खेलो इंडिया गेम्स है अभी करंटली इसका नाम है, उसको पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से ये प्रसिद्ध था पहले, बाद में इसका नाम चेंज किया गया, अब इसको कहते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अगला क्वेश्चन, नीलम संजीव रेड्डी ने 1956 से 1959 तक डैश के रूप में कार्य किया था। तो क्या थी वे आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये चीफ मिनिस्टर थी, कहाँ की थी, ये थी आंध्र प्रदेश की, ठीक है, एपी राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जो अभी करंट टाइम पे कौन है वहाँ पे सीएम, तो वो है YSR रेड्डी, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, वो है अमरावती। अगला है क्वेश्चन, संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो कौन सा आर्टिकल ग्राम पंचायत के लिए है, इनमें से बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आर्टिकल 40 में कहा गया है कि एक ग्राम पंचायत होगी। अगला क्वेश्चन, एक कंडक्टर का प्रतिरोध डैश पर निर्भर करता है। तो आपको बताना है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन, तो किस पे है डिपेंड आपको बताना है इनमें से। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। मटेरियल पे भी है, लेंथ और इट्स क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो तीनों इसका राइट आंसर हो जाएंगे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में दाता की आंखों के निम्नलिखित भागों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इनमें से आपको बताना है किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो आपको ये बताना है कि साउंड सब में इनमें से सबसे ज्यादा किस में ट्रैवल करती है साउंड।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉलिड में। अगला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य ने दक्षिण में तमिल शासित प्रदेश तक विस्तार किया, तो इनमें से आपको बताना है किसने अपना साम्राज्य बढ़ाया था साउथ रीजन तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने अपना साम्राज्य तमिल तक बढ़ा लिया था। ठीक है, ये जैसे यहाँ का हो गया, अफगानिस्तान का एरिया हो गया, ठीक है, उसके बाद में मद्रास वाला रीजन, ये सारा, ठीक है, ये सब औरंगजेब का था, कि कब तक, 1707 तक, ठीक है, बाद में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में ये भारत है पूरा, ठीक है, ऐसे ये भारत है पूरा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो ये सारा एरिया औरंगजेब का था, ठीक है, तो 1707 में जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद में ये पूरा सिकुड़ के रह गया था, कितना, सिर्फ इतना रह गया था, वो भी दिल्ली का रीजन, ठीक है, सिर्फ दिल्ली रह गई थी, बाकी सब बट गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, पौधों में उत्पन्न वह हार्मोन जिसके कारण तना सूर्य के प्रकाश की ओर झुकता है, तो क्या कारण होता है, इनमें से बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीन। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग डैश में स्थापित किया गया था, तो आपको बताना है कब स्टैब्लिश किया गया था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो ये स्थापित किया गया था 2005 में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्याशक्ति प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसकी स्थापना थी, तो आपको बताना है किसकी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वाका टाका की थी। अगला क्वेश्चन, 13 कोष्ठबद्ध हृदय डैश में होता है, तो आपको बताना है 13 चैम्बर्ड हार्ट ऑफ कोर्स किसमें होता है, इनमें आपको बताना है जौ, केचवा, घोघा या तिलचट्टा, इनमें से बताना है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जिसको हिंदी में तिल चट्टा कहते हैं, इंग्लिश में कॉकरोच कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है, तो भारत का जलीय जानवर कौन सा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा रिवर डॉल्फिन, तो डॉल्फिन जो गंगा रिवर में है वो है। अगला क्वेश्चन, हर साल विश्व शेर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, वर्ल्ड लाइन डे, कौन से तारीख को मनाया जाता है, तो ये करंट अफेयर के वैसे इंपॉर्टेंट डेज है जो कि पूछे जाते हैं, आपको पता होने चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड लाइन डे। अगला क्वेश्चन, डैश चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत पाठ है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा है वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुश्रुता संहिता है ये, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एशिया विकास बैंक प्रधान कार्यालय डैश में स्थित है, तो इंग्लिश में बोला गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, या हेड ऑफिस। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ये मनीला में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा जो रक्त के घटक में से एक है, एक डैश है ये, तो क्या होता है ये आपको बताना है, सेल, मसल, लिक्विड या टिश्यू, क्या होता है इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये होता है लिक्विड टाइप। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव संस्थान डैश में स्थित है, तो आपको बताना है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट भारत के कौन से राज्य में या कौन से शहर में स्थित है, तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर सी,
देहरादून, जो कि कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला है क्वेश्चन, पहला पैरालंपिक खेल डैश में आयोजित किया गया था, तो कहाँ पे किया गया था और कौन से ईयर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये रोम में हुआ था, इटली में, जो कि 1960 में हुआ था। ठीक है, रोम है जो इटली की कैपिटल है, और 1960 में था ये। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है, नेशनल रेल म्यूजियम, तो ये स्थित है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय रुपए के चिन्ह का प्रारूप किसने दिया था, तो आपको बताना है, सिंबल जो नोट का होता है वो किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डॉक्टर उदय कुमार, तो डी उदय कुमार होगा ये। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन फर्स्ट तथा ड्यूके ऑफ वेलिंगटन कौन सी, इनमें से कौन सी प्रसिद्ध लड़ा था, तो इनमें से कौन सा बैटल हुआ था इन दोनों के बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैटल ऑफ वाटलूर। अगला क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे, तो आपको बताना है बारदोली का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, भंवर राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है, तो आपको बताना था, भंवर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो ये भंवर स्थित है बांग्लादेश में, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मरकरी। अगला क्वेश्चन, एक हाथी की हृदय संपादन लगभग होती है, हार्ट बीट पूछी गई है हाथी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 बार 1 मिनट में धड़कता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था, तो काफी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था, हालांकि वो खुद एक सिंगर था, ठीक है, लेकिन फिर भी इसने लगा दिया था बैन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश द्वारा स्थापित खिलजी या खिलजी वंश ने 1290 और 1320 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बेड़े हिस्से पर शासन किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पांचवें सिख गुरु डैश ने आदि ग्रंथ का संकलन किया, जो सिख धर्म ग्रंथ का पहला आधिकारिक संस्करण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जन देव के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2020 के उद्घाटन मातृभूमि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है,
पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार शुक्ला को। तो 2020 का है, करंट अफेयर क्वेश्चन हो जाता है ऐसा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर के लिए ऑस्कर 2020 पुरस्कार जीता है? तो इनमें से किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अमेरिकन फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वल्कनीकरण विधि के माध्यम से रबर बनाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स गुडियर ने। अगला क्वेश्चन, 1942 में अनरिको फर्मी ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो आपको बताना है किसने की थी, सॉरी किसकी की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एटॉमिक रिएक्टर की थी। अगला क्वेश्चन, महाकाव्य महाभारत में कितने अध्याय पर्व हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 पर्व हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।